हाँ जी, सभी को नमस्ते। मैं कोई कहानीकार या कवि नहीं हूँ। हाँ, इन सब चीज़ों में मेरा अनुराग है। देवेंद्र जी के आग्रह पर मैं एक मेरी लघु कथा और एक बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आवाज आ रही है या नहीं आ रही, मुझे कंफर्म करें। नमस्कार, आवाज क्या सुनाई पड़ रही है सही तरह से, इसके बारे में मुझे आप कंफर्म कर दें। हाँ, तो मेरी जी आवाज क्या सही आ रही है? आवाज के बारे में थोड़ा ठीक है सर, ठीक। एक तो लघु कथा है और एक लंबी कहानी। पहले मैं लघु कथा सुना देता हूँ। आधार कार्ड की लाइन, ये बात उन दिनों की है जिस समय आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे। इसे अनिवार्य कर दिया था और लंबी लंबी लाइनें लगा कर दी थी। आधार कार्ड बनवाने की लाइन बरामदे को पार कर बाहर दालान तक धूप में आ गई थी। लोग पसीने पसीने हो रहे थे। सुबह 9 बजे आने वालों की बारी दोपहर 2 बजे तक नहीं आ पाई थी। एक औरत ने अपनी बेटी को लाइन में लगाया और खुद बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैं भी पूरे अनुशासन के साथ लाइन में लगा हुआ था। बूढ़े बच्चे औरतें सभी मानो सामूहिक तपस्या में निरत थे। जब कोई लाइन के पास आने की या बीच में लगने की जुगत लगाता तो सभी एक साथ हूट करने लगते और उसे हटाकर ही दम लेते, लाइन बनी रहनी चाहिए। तभी दनदनाती हुई एक शानदार कार आकर रुकी। उस कार में से 8-10 औरतें निकली, सूट बूट एम टाई पहने 2 व्यक्ति उनके साथ थे। लंबी मूछों पर बल देते हुए उनमें से एक सीधा ऑपरेटर के पास गया। ऑपरेटर टीम के चेहरे पर बातचीत के समय कुछ उतार चढ़ाव आ रहे थे। थोड़ी देर उनमें बहस हुई, ना नुकर हुई। उसके बाद में ऑपरेटर टीम ने हथियार डाल दिए और साथ में आई औरतों का एक के बाद एक आधार कार्ड बनने लगा। उधर भीड़ में खुसर पुसर बढ़ने लगी। ऑपरेटर सहित सारी टीम ने मानो आंख कान मूंद लिए हों। भीड़ लगातार हुट कर रही थी। एक तरफ शोरगुल एवं विरोध चलता रहा, दूसरी ओर सद्धे आगंतुकों के आधार कार्ड बनते रहे। अपना पूरा काम कर महिलाएं कार में वापस जा बैठी। तभी साथ में आए हुए दोनों व्यक्तियों ने अब ऑपरेटर टीम को फटकारने का नाटक करना शुरू कर दिया। उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, कोई भी बिना लाइन के आधार कार्ड नहीं बनवाएगा, कोई भी बीच में घुसने का प्रयास नहीं करेगा। अभी कलेक्टर साहब को फोन करते हैं, व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए, आदि आदि। पहला कि किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी, पार्टी के जिलाध्यक्ष ने किया दौरा, मिली भारी अव्यवस्थाएं, करवाया पुलिस का इंतजाम। ये थी उन दिनों की लघु कथा और एक थोड़ी लंबी कहानी है, ग्रामीण परिवेश पर है। और घटना की जो पृष्ठभूमि है वह 40 साल पहले की मान सकते हैं।
रामू गर्मियों की छुट्टियों में अपनी पत्नी राधा के साथ यात्रा पर निकला था। अब इसे पर्यटन सेवन जैसे भी नाम दिए जा सकते हैं। ऋषिकेश में ही एक स्वर्गाश्रम नाम का भव्य आश्रम है, उसके भीतर एक मंदिर के सामने उसके कदम रुक गए। एक जानी पहचानी सी गेरुआ वस्त्र पहने एक वृद्धा दिखाई दी। वह उसे अनवरत देखता जा रहा था। उधर उसकी पत्नी राधा अपने ही धुन में आगे निकल चुकी थी। विशाल आश्रम में अनेकों मंदिर थे। रामू ने वृद्धा के पांव छुए, बोला, माँ आप चौकीदारी माई हो न? वृद्धा की अंधमुंदी पलकें खुली, वो पूरी तरह से संभल कर बैठ गई, मानो तंद्रा में से किसी ने झकझोर दिया हो, या मानो कोई गूढ़ रस से अनअपेक्षित रूप से अनावृत हो गया हो। कौन हो तुम? वह चौंक कर बोली। आवाज पहचानते ही रामू का विश्वास और दृढ़ हो गया, बोला, आप ही हो चौकीदारिन माई। रुआसी सी होकर वृद्धा तपाक से बोली, मर गई चौकीदारिन माई, मैं तो नारायणी माँ हूं। गेरवा साड़ी पहने लंबा सा तिलक लगाए एक साध्वी ने समर्थन किया, हाँ ये तो हमारी नारायणी माँ है, लेकिन ये चौकीदारिन माई है। वही नाक के पास मस्सा, वैसी ही बोली, वैसी ही हाव भाव। रामू ने वृद्धा की आंख में आग डालकर पूरे विश्वास से कहा। आखिर में उसने हार मान ली। मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोली, कौन है रे तू? मैं रामू हूं, धन्ना का बेटा, आप हमारे ही तो घर में रहती थी। अच्छा, वह स्मृति की किसी गहरी खाई में खो गई थी, बोली, अब सब कुछ जान गई बेटा, तू बेटा भी, मैं माता का श्रृंगार करके आती। वह भीतर चली गई और मैं अपने वह मंदिर के भीतर चली गई और मैं अपने स्मृतियों के भीतर। उसे सब चौकीदारिन माई कहते थे, सुनते थे कि वहाँ के नवाब की ओर से उनके पति अपने इलाके में चौकीदार नियुक्त थे। लंबी मूछें, लंबी कदकाठी, गठीला शरीर, रोबदार चेहरा, घोड़े पर बैठकर तो जब वे निकलते थे तो चोर डाकुओं की रूह कांप जाती थी। अब तो उनको गुजरे अरसा हो गया। चौकीदारिन माई उनसे 10 साल छोटी थी, वही कदकाठी, वही मध्यम कदकाठी, ग्रामीण सादी वेशभूषा, पैरों में चांदी की मोटी मोटी कड़ियां, चंदन का पीला तिलक, चेहरे पर प्रौढ़ावस्था की दस्तक देती झुर्रियां, पर चाल और आवाज में युवतियों जैसा जोश था। उसके सिर पर चांदी के चमकते केस थे। कुल मिलाकर यह रूप था चौकीदारिन माई का। वैसे तो वह बेटे बहुओं के पास रह रही थी, पर वह मुश्किल ही रह पाती थी, पर वह घर मुश्किल ही रह पाती थी। वह दाई भी थी,
घरेलू नुस्खों का खजाना लिए नर्स भी थी तो परंपराओं को समझने वाली विशेषज्ञ भी थी। गांव भर की महिलाओं के लिए तो वह सास, सखी, सहेली और भरोसेमंद सहायक थी। कभी कभी महिलाएं हंसी विनोद और टिटोली करती, माई भगवान ने एक साथ सारे गुण आपको ही क्यों दे दिए, हमसे क्या दुश्मनी थी। चौकीधारी माई हंस कर रह जाती, अच्छा हुआ मेरी बहना, नहीं तो चक्कर गिननी हो जाती मेरी तरह। रामू को याद आ रही थी वह भयंकर रात जब उसकी माँ 5 बच्चों को छोड़कर चल बसी थी। 2 भाई और 2 बहनें छोटी थी, पिता बाहर नौकरी करते थे और वह खुद पास ही के शहर में किराए का कमरा लेकर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। 6 महीने पहले ही माँ ने जिद करके उसके हाथ पीले कर दिए थे और अब उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। परिवार में गृहलक्ष्मी की जिम्मेदारी उसकी पत्नी राधा पर आ गई थी और वह भी 15 वर्ष की वय। दिन तो किसी तरह निकल जाता पर रात को जिस दिन दोनों बाप बेटे घर नहीं होते बच्चों को डर लगने लगता। एक रात राधा 4 बच्चों के साथ छत पर सोई हुई थी कि अचानक एक बिल्ली कहीं से कूद कर निकली कि सारे बच्चे जोर से चिल्ला उठे। आसपास के मोहल्ले वाले आधी रात को इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन सभी ने निश्चय किया कि कुछ दिन के लिए चौकीदारिन माई को धन्ना के घर सोने के लिए सहमत किया जाए। 200 रुपये महीने और दोनों समय के खाने पर सहमति हुई। चौकीदारिन माई की बहू ने कहा, वैसे भी सारे दिन गांव में घूमती फिरती थी, हमारे क्या काम है, कहीं भी रहे भला से। रामू के मस्तिष्क में एक चलचित्र सा चल रहा था कि कैसे दूसरे दिन से ही चौकीदारिन माई उनके परिवार का अंग बन गई थी। उसके पति की बहादुरी के किस्से, विपन्नता में एक दूसरे पर जान देने के जमाने की बातें, गांव के पंचों द्वारा गांव में निपटाए गए झगड़ों की कहानियां चौकीदारिन माई से खूब सुनने को मिल रही थी। शाम को माई के आते ही पड़ोस की औरतें और बच्चों का जमघट लग जाता। दिन में तो माई को फुर्सत ही नहीं थी। कभी किसी के चेचक है, हैजा है या निमोनिया, माई तुलसी, अदरक और न जाने किन औषधियों का काढ़ा बनवाती। बर्तन, कपड़े, कमरे सब अलग रखवा अलग करवाती। नीम के झूरे रोगी की खाट के चारों ओर खुद बांधती और निर्देश देकर ही घर आती। आज तो सुबह सुबह ही अच्छी तरह बैठा। माई चलो आज बेटी का गोना है, गहने कपड़े नेकचार सारा काम तुम्हारे बताए अनुसार ही होगा। हमने तो लापसी पूड़ी और दाल का इंतजाम कर दिया है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। वहां से वापस आई तो घर पर 2-3 औरतें हंसली गले की हड्डी ठीक करवाने के लिए अपने अपने शिशुओं को लेकर घंटों से इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह माई मंदिर अवश्य जाती, माँ दुर्गा में उसकी अघात आस्था थी। साल में एक बार कुछ साध्वियों का दल आता, 2-3 दिन कथा होती, माई उनसे घंटों ज्ञान की बातें करती थी। मंदिर में भी कोई न कोई महिला किसी न किसी काम से माई का इंतजार करती मिलती। उस दिन लक्ष्मा कह रही थी, माई क्या करूं, अब तो उसका पति रोज उसे मारने लगा है,
माई गुस्से से लाल हो गई, बोली चल मेरे साथ, मैं करती हूँ इलाज उसका। माई उसके घर गई। माई को देखते ही उसका पति रत्ना सहम गया। वो सीधे रत्ना की आंखों में आंखें डालकर बोली, रत्ना तेरे हाथ पैर ऐंठ रहे हूँ तो लड़ने के लिए मैं बता दूँ नौजवान, देखते हूँ कितने देर तक लड़ता है। इस डेढ़ पसली की औरत को मारते हुए तुझे लाज नहीं आती? मर्द है तो बराबरी वाले से लड़। लड़खड़ाती जवान से रत्ना इतना ही बोल पाया, माई ये मुझसे जवान लड़ाती है, मैं क्या करूं, तो इसमें मारने की कौन सी बात आ गई? तू जब काम नहीं करेगा, सारे दिन पड़ा रहेगा तो वो कुछ तो कहेगी। अचानक माई ने रत्ना के हाथ में मंदिर से लाया अपना रामजारा रख दिया। बोली कसम खा गंगा मैया की कि आगे से इसको नहीं पीटेगा। और उस दिन से लक्ष्मा की समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो गया। गांव में जब तक नर्स भाई नहीं आई थी तब तक माई ही प्रसव करवाती रही थी, पर अब माई सबको मना करने लग कहती थी मेरे पास न वैसे साधन हैं और न सुविधाएं जो अस्पताल में हैं। ये संयोग था या किस्मत, माई द्वारा कराए सभी प्रसव निरापद हुए। कई किशोर अब भी कभी कोई उपलब्धि मिलने पर दम ठोक कर कहते हैं, आखिर घुट्टी किसकी लगी है, चौकीदारिन माई की। राम को याद आ रहा था रामधन के पोते का मुंडन कार्यक्रम। बहुत बड़ा भोज रखा था रामधन, पर सुबह से ही बादल छा गए कि अब बरसे कि अब टपके। सब घबरा गए, औरतें रोने लग गई, पर माई कह रही थी कोई बरसात नहीं आएगी। माई ने एक कोरा घड़ा लिया, उसे पानी से भरा, सकोरे से ढककर ऊपर नारियल रखकर माई ने ईश्वर से प्रार्थना की और जमीन में गड़वा दिया। यह सब घर की महिलाओं के साथ गोपनीय रूप से हुआ था। रामू को तो उसकी छोटी बहन ने चुपके से यह सब बाद में बताया था, पुरुषों का प्रवेश वहां वर्जित था। यह संयोग था या रामधन की किस्मत कि दोपहर बाद तेज हवा चली और देखते देखते बादल उड़ गए, पर जस मिला चौकीदारिन माई को। औरतों ने माई के पांव पकड़ दिए, माई तेरा टोटका काम कर गया। पर माई ने कहा जब ईश्वर की कृपा होती है तो सब अच्छा होता है, टोट के तो मन को समझाने की बातें हैं। विवाह के अवसर पर मां को 10 दिन पहले ही लोग लेने आ जाते। विनायक स्थापना से लेकर गणेश विदाई तक के सारे कार्यक्रम चौकीदार इनमाई की देखरेख में ही होते। माई कुछ नहीं करती थी, केवल सलाह देना, तरीका समझाना और गलती करने पर मीठी सी चिड़की देना। माई की उपस्थिति ही अपने आप में कार्यक्रम की सफलता का आश्वासन था। कार्यक्रम समाप्त होने पर सम्मान से माई को विदा किया जाता, कपड़े, मिठाई, रुपये, न जाने क्या क्या देकर। रामू को याद आ रहा था कि जब वह शनिवार को घर आता तो माई से सारे किस्से सुनकर ही जाता। एक दिन उसने पूछा, माई आपके लिए शहर से क्या लाऊं? कुछ नहीं रहे,
उत्तर देने के बजाय माई ने अपनी लुगड़ी का पल्लू खोला और रुपयों का एक मोटा सा बंडल मुझे पकड़ा दिया। बोली, इनको संभाल कर रख ले, पहले तो बेटे बहुओं को दिया करती थी पर ये मैंने मेरे लिए संभाल कर रखे हैं। मैं मांगू जब चुपचाप दे देना, किसी को खबर मत करना। रामू ने गिने तो पूरे 20,500 रुपये। रामली माई, हम आपको एक संदूक और ताला चाबी दे देते हैं, जब चाहो ले लेना, जब चाहो रख देना। माई को दिखाकर संदूक अंदर रखवा दी। उसी समय हरका बाबा उधर पड़ोस में ही कृष्णा चौधरी के बेटी का विवाह का दिन नजदीक आ गया था। सो सुबह सुबह ही माई को लेने आ गया। बोला, माई कल से ही तुम घर पर रहोगी और गणेश की विदाई के बाद ही वापस आओगी। माई कुछ जवाब देती उसके पहले ही उसी समय हरका बाबा अपनी पत्नी के साथ वहां आदम का। हरका की पत्नी बोली, माई मैंने तुम्हें मंदिर में एक महीने पहले ही कह दिया था, कल पोती का ब्याह है, सो चलना होगा। कृष्णा बोला, माई को तो मैं लेकर जा रहा हूं, मैं पहले आया हूं। बात बात में तनातनी बढ़ गई और बात गाली गलौज से हाथापाई तक आ गई। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे करके उनको अलग किया। शाम को पंचायत बैठी, पंचों को इकट्ठा किया गया, चौकीदार इन माई को भी बुलाया गया। पंचों ने कहा, माई तू ही बता, तू कल किधर जाए। कृष्णा चौधरी की बेटी के ब्याह में या हरका बाबा की पोती के ब्याह में? माई ने हाथ जोड़ दिए, बोली, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, मेरे लिए तो सारा गांव बराबर है। जैसा पंचों का हुक्म होगा मैं उधर ही चली जाऊंगी। कृष्णा और हरका ने भी अपने अपने तर्क रखे। बहुत देर तक बहस चली, तनातनी चली। तनातनी तो उनके बीच अरसे से चली जा रही थी पर आज उसे गहराने का मौका मिल गया। अंत में फैसला माई पर छोड़ दिया गया कि भोर होते ही माई जिसके घर स्वेच्छा से चली जाएगी वहीं उसका स्वागत होगा, पर दूसरा पक्ष उसे कुछ नहीं कहेगा, उसके लिए जुर्माना सुना दिया गया। हां, किसी को कुछ सलाह चाहिए तो माई सबके लिए कहीं भी तैयार रहती है। माई के लिए इस तरह से लड़ना मूर्खता से अधिक कुछ नहीं है। पंचों के फैसले के बाद शाम को माई बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप आकर सो गई। माई को नींद में जानकर किसी के भी जगाने की हिम्मत भी नहीं हुई। सुबह भोर में जब राधा उठी तो देखा माई की चारपाई खाली थी। रामू ने भी सब जगह ढूंढा, वो भाग कर भीतर गया। माँ के संदूक का ताला खुला हुआ था और रुपयों की पोटली गायब थी। फिर उसने अनुमान लगाया, हो सकता है शायद हरका या कृष्णा में से किसी के घर चली गई हो। सारे गांव में कोतवल था, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे माई कहाँ गई। शाम तक भ्रम के सारे बादल छट गए, माई गांव में नहीं थी।
सांप किसना और हर का बाबा को भुला भरा कर रहे थे। उस शाम गांव वालों ने खाना तो खाया पर बेमन से। मेरा ध्यान तब भंग हुआ जब राधा ने आकर झकझोरा, सो गए क्या? मैं सारे मंदिरों में दर्शन कर आई और आप अब तक यहीं बैठे। उधर सामने से माई अपने साथ एक साध्वी को लेकर कटोरे में श्रीखंड का प्रसाद लेकर आ रही थी। मैंने कहा, राधा पहचानो इस देखो, इसके दर्शन के बाद अब किसी के भी दर्शन की इच्छा नहीं है, ये अपनी चौकीदारी निभाई है। राधा देखते ही माई से लिपट गई। माई रो पड़ी, मेरे बच्चों तुम कहाँ मुझे रुलाने आ गए? सहज होने पर माई बोली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे इस गांव की बहुत याद आई, पर उस दिन क्या पता मेरे दिमाग में क्या बैठी, ऐसा मन खट्टा हुआ कि मैं वहां रुक ना सकी। वह शाम हमने माई के साथ ही बिताई। हमने माई से कहा, माई हमारे साथ चलना पड़ेगा, पर माई नहीं मानी, बोली अब तो यहां से वहीं जाऊंगी जहां सब जाते, बस अब मैं माता के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। समय 4:26। आप सबका धन्यवाद।